टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान एक बड़ा ऐलान किया है। पीएम मोदी ने यह बड़ा ऐलान किया है कि तीन नए कृषि कानून वापस लेगी सरकार। केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लेने की बात कही है। राष्ट्र के नाम संबोधन में यह बड़ी घोषणा की है पीएम मोदी ने। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जो पीएम मोदी ने यह बड़ा ऐलान किया है, जिसके बाद किसानों में बड़ी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। जहां सरकार ने कहा कि हम जनता को यानी किसानों को तीन नए कृषि कानूनों के फायदे के बारे में नहीं बता पाए, जिसकी वजह से हमें इसे वापस लेना पड़ रहा है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान ये बड़ा ऐलान किया। आपको बता दें, सुबह 8 बजे पीएमओ की तरफ से ट्वीट किया गया, जिसमें ये बताया गया कि आज जनता को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जिसके बाद संबोधन के दौरान 9 बजे प्रधानमंत्री का जब संबोधन हुआ, तो उन्होंने ये बड़ा ऐलान किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बड़ा ऐलान किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि तीन नए कृषि कानूनों को वापस लिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि हम तीन नए कृषि कानूनों के बारे में जनता को समझाना चाह रहे थे, किसानों को समझा रहे थे कि उससे उनको कितना फायदा होगा, लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं समझा, जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि तीन नए कृषि कानूनों को वापस लिया जाएगा। आपको बता दें कि 1 साल हो गया है जब से किसान आंदोलन कर रहे हैं, और इसकी वजह से अब सरकार को हार कर यह फैसला वापस लेना पड़ा। तो यह बड़ी खबर सामने आ रही है। राष्ट्र के नाम संबोधन में यह बड़ी घोषणा की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आपको बता दें कि सितंबर में ये बड़ा फैसला लिया गया था कि तीन नए कृषि कानूनों को पारित किया गया था, लेकिन 26 नवंबर से जो किसान थे वो आंदोलनरत थे। उन्होंने अपना आंदोलन दिल्ली की सीमा पर शुरू किया और 1 साल तक ये आंदोलन चलता रहा है। अब ये बड़ा फैसला आ गया है, इसके बाद किसानों का कहना है कि कल वो बैठक करेंगे और इसका समर्थन भी करेंगे। तो तीन नए कृषि कानूनों को वापस करने की बात कही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस खबर पर हमारे साथ किसान नेता देवेश तिवारी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो सर, हम आपको बधाई देना चाहेंगे, जो आप 1 साल से आंदोलन कर रहे थे उसमें आपको बड़ी सफलता मिली है। क्या कहेंगे इस पे, जो प्रधानमंत्री ने बड़ा ऐलान किया है, किस तरह से ले रहे हैं आप इसे? बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रधानमंत्री जी का और मीडिया से के सभी कर्मियों का, जिन्होंने किसानों की बातों को बड़ी प्रमुखता से उठाई। आज गुरु पर्व के दिन प्रधानमंत्री ने ऐलान करके ये सब जो टिप्पणियां चल रही थी, तमाम राजनीतिक दल उसका फायदा उठा रहे थे, उन सब से एकदम से पर्दा हटा दिया है और किसानों के पक्ष में आकर उन्होंने कह दिया है कि जो चीजें किसान को पसंद नहीं है वो हम लागू नहीं करेंगे। इसको हम मानते हैं कि गुरु पर्व के दिन उन्होंने बहुत ही अच्छा घोषणा की है, देश के नाम संबोधन में उन्होंने कहा है, तो इसके लिए बहुत ही अच्छा है। इससे आगे कोई भी अराजकता न हो, रोडे जाम न हो, ऐसी किसी भी तरह की दिक्कत न हो, इन सबका उन्होंने ध्यान दिया, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जी दिनेश जी, 1 साल तक आपका ये आंदोलन चलता रहा है, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा किसानों को? तो लगातार तमाम तरह की कठिनाइयां रही, 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए इस आंदोलन में। फिर लगातार तमाम तरह की, अब ठंडी गर्मी बरसात हर तरह का मौसम रहा, उसमें तमाम तरह की दिक्कतें रही, लेकिन सरकार ने ये चीज मानी और प्रधानमंत्री जी ने इसको मना किया, जिससे अब जो उसमें बढ़ावा दे रहे थे लोग, अराजक तत्व तो शामिल होकर बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही थी, उनसे पूरे देश को बदनामी हो रही थी, उन सब चीजों से राहत मिली और वापस लिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी का। जी, इस आंदोलन के दौरान कई किसानों की मौत भी हुई है, क्या कहेंगे उनके लिए, ये कितनी बड़ी बात है? नहीं, उनके लिए भी बहुत बड़ी बात है, जो शहीद हुए हैं किसान, हम तो यही कहेंगे कि सरकार उनका भी ध्यान दे और उनके परिजनों को कुछ मुआवजा भी देना चाहिए, जिस तरह और अन्य लोगों को दिया जाता है। वहाँ पे 700 से ज्यादा किसान खत्म हुए हैं जो रिकॉर्ड में है, उन लोगों को जांच करा के उनको उचित मुआवजा भी प्रदान करना चाहिए। दिनेश जी, सरकार की तरफ से इस कृषि कानून को कई बार बैठकें हुई, जैसे समझाने की कोशिश की गई कि किसानों का हित है, लेकिन किसानों ने कहा कि उनको पता है कि उसमें इनका हित नहीं अहित है। और सरकार, पीएम मोदी ने भी आज ये बात कही कि काफी बार समझाने की कोशिश की गई किसानों को, लेकिन वो इससे खुश नहीं नजर आए। क्या कहेंगे, क्या सच में इसमें किसानों का हित था?
नहीं, इसमें तमाम तरह की पहले त्रुटियां थी जिनको सरकार ने हटा ली थी। अब जो चीज लोगों को नहीं पसंद है उसको वापस ही करना चाहिए। जो भी बिल, जो भी चीजें बनती हैं वो लोगों के हित के लिए बनती हैं। अगर उन लोगों को हित नहीं लग रहा था तो प्रधानमंत्री जी ने उसको वापस ले लिया, तो उन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं, और देश के सभी किसानों को कि वो अपने घर जाएं और अपना आराम से सभी लोग अपना अपना खेती किसानी करें और खुश रहें। दिनेश जी, जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश में आने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़े पहले ही ये बड़ा ऐलान किया है, तो क्या इसके पीछे राजनीति भी हो सकती है? और इस राजनीति की वजह से क्या किसानों का समर्थन अब प्रधानमंत्री को, बीजेपी को मिलने वाला है? जो भी सरकार ने फैसले लिए हैं आज तक वो महत्वपूर्ण फैसले लिए, आपको भी मालूम है, देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पर कोई शंका नहीं की जा सकती, जो किसी के अहित की बात कर सकते हैं। तभी कुछ चीजें हो जाती हैं जो गलत हो जाती हैं। इस बिल में भी ऐसा ही हुआ कि कुछ चीजें हैं जो गलत थी, उन्हीं को लेकर हम सब लोग वहाँ पे धरनारत थे, और लास्ट में ये हुआ कि प्रधानमंत्री ने वापस ले लिया, तो बहुत अच्छी चीज है। और लाभ तो होना न होना अलग की बात, लेकिन ये देश के लिए बड़ा संकट था कि अगर इस टाइम भी किसान आंदोलन चलता रहता और चुनाव होते तो तमाम तरह के राजनीतिक लोग उसका लाभ लेते और जगह जगह झगड़े बवाल जो ऑलरेडी चल रहे थे वो और बढ़ते, इसको लेकर प्रधानमंत्री ने सही फैसला लिया है। जी दिनेश जी, कल जो बैठक होने वाली है प्रधानमंत्री के इस ऐलान के बाद, उसमें क्या कहेंगे, किस तरह का निर्णय लिया जा सकता है? नहीं, ये तो बेवकूफी भरे निर्णय है, अब सबको घर जाना चाहिए। बिल वापसी तक था, अब उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी ये वो है सब अलग अलग स्टेट का मामला है, वो अपने स्टेट वाले किसान लीडर्स देखे। अब इस तरह का कोई धरना प्रदर्शन वहाँ पे नहीं होना चाहिए, धरना प्रदर्शन तो नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से मांगे की जा रही थी तो उसमें क्या कहेंगे? सारी प्रॉब्लम से तो धरना खत्म ही नहीं होगा, अभी बिजली को लेके बैठ जाए हम लोग, बाकी समस्याओं को लेके बैठ जाए तो वैसे ही हम लोग बैठे रहेंगे। अब एक बड़ी चीज को लेके बैठे थे, वो खत्म कर दी गई, अब आगे भी उम्मीद की जा रही है कि सरकारें अच्छा काम करेंगी और हम लोगों का लाभ होगा, किसानों का। कानून वापस हुए जो ये तीन नए कृषि कानून है, लेकिन एक मांग और थी किसानों की, एमएसपी की, उस पे बात नहीं हुई है, क्या कहेंगे? नहीं, एमएसपी को लेकर हम लोगों ने पहले उसके, हमारे लोगों का जो संयुक्त मोर्चा था उसमें कोई एजेंडा नहीं था, बाद में उसे शामिल किया था गया था, जिसका मैं समर्थन नहीं करता हूँ। मैं इस चक्कर में ये उसमें हूँ कि जो बिल थे बिल पे था कि वापसी हो, अब उसमें एडिशनल और चीजें जोड़ना वो बाद की बात है कि हम लोग बाद में क्या निर्णय लेंगे, लेकिन इस टाइम वो बिल को वापसी था, बिल वापसी हो जाएगी, हम लोग बैठ के अपना निर्णय कर लेंगे कि आगे क्या करना है। आंदोलन को खत्म करवाने के लिए ही वापस किए गए हैं बिल, और जो एमएसपी है उस पे क्या बाद में चर्चा की जाएगी? और कल बैठक करके देखा जाएगा, जो सही निर्णय होगा वो लिया जाएगा और सभी लोग अपने अपने घर जाए, बहुत लंबे समय से लोग बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल, के लिए और तमाम जानकारी के लिए और बातचीत के लिए इस खबर पर हमारे साथ किसान नेता दिनेश जी जुड़े हुए थे। और अब हमारे साथ इस खबर पे बीजेपी से विवेक श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतना बड़ा ऐलान किया है, इसके पीछे मुख्य वजह क्या है? बताया भी है कि कहीं ना कहीं हम इन कानूनों के बारे में किसानों को समझाने में सफल नहीं थे, और किसानों का इन कानूनों को लेकर के विरोध है, उन्होंने चीज को एक्सेप्ट किया है। ऐसी स्थिति में उन्होंने इन कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है, बहुत बड़े दिल का फैसला है ये, इसकी मुक्त कंठ से सराहना की जानी चाहिए। किसान साल भर से सड़कों पर बैठे थे, अपनी खेती बाड़ी छोड़ के बैठे थे, और अपने ऐसे में उनका जो फैसला है कि संसद में इनको ला करके वापस करेंगे, ये बहुत बड़ा फैसला है, ये बहुत संवेदनशीलता का परिचय दिया है, सराहनीय कदम है, इसकी मुक्त कंठ से सराहना करनी चाहिए। हम उनके कदम की सराहना करते, साधुवाद देते हैं। साल का लंबा वक्त लगा है इस कानून को वापस करने में, तो क्या ये चुनावी एजेंडा है? क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है, आज यूपी के दौरे पे भी प्रधानमंत्री रहने वाले हैं, और यूपी और पंजाब दोनों जगह ही इसका खासा, अच्छा खासा असर देखने को मिला, तो क्या इसके पीछे चुनावी एजेंडा है? देखिए, हिंदुस्तान में कई ना कई चुनाव होते ही रहते हैं, उनको चुनाव से जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति चुनाव को देख करके नहीं बनती,
भारतीय जनता पार्टी करती रहती है जी। और उसी क्रम में ये कार्य किसानों को समझा पाने में कहीं ना कहीं सरकार के लोग नाकामयाब रहे इन कानूनों के बारे में, किसान नहीं समझ पा रहे हैं, उलझन बढ़ रही है इससे विवेक जी। लेकिन किसानों से अच्छा उनका हित कौन जान सकता है? किसान ही अपना हित अच्छे से जान सकता है और विपक्ष भी यही कह रहा है कि उनके अलावा कैसे आप जान सकते हैं कि उनका हित किस चीज में है, इसीलिए तो वो मना कर रहे थे इस कानूनों को स्वीकार करने से। देखिए विपक्ष की तो ऐसी स्थिति है, छिपवी मेरी पटवी मेरी वोट मेरे बात पर। जब ये बिल संसद में पेश हो रहा था विपक्ष नदारद था, कोई लंदन घूम रहा था, कोई कहीं था, वहां पे लोगों ने इसके बारे में कोई चर्चा टिप्पणी की नहीं। और जब पास हो गया, पास कर दिया गया था जी, तो जल्दबाजी में ये काम किया गया था ना। कोई जल्दबाजी संसद में जल्दबाजी कैसे हो सकती? जो कानून सदन पर पट के पटल प्रस्तुत होंगे बिल, उन पे चर्चा होती, चर्चा होने के बाद वो पास होते हैं। अब अगर कोई विपक्ष उस पर चर्चा करने के लिए तैयारी नहीं है, सदन से गायब है, इसके लिए सरकार दोषी थोड़ी है। विपक्ष भी तो यही बात कह रहा है कि सब वहाँ पे मौजूद नहीं थे और फटाफट इस बिल को पास करवा दिया गया। फटाफट क्या होता, सदन के पटल पे रखा गया, अब आप नहीं उपस्थित हो तो आप उनको घर से बुला के बहस थोड़ी करेगा जी। आप बहस की नोटिस दे, सरकार ने बार बार कहा कि हम इसे बहस के लिए तैयार है, हम इसे बहस के लिए तैयार है, तो बहस से विपक्ष इस पे भागता रहा। विपक्ष जाकर के किसानों के आड़ में लग करके इसमें आंदोलन को हवा देता रहा जी। इन सबसे कोई बात नहीं, सारा विषय समाप्त हो चुका है। प्रधानमंत्री जी ने आज गुरु पर्व के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है, बहुत बड़े दिल का परिचय दिया है जी। और ये संवेदनशीलता दिखाती है प्रधानमंत्री जी की, उन्होंने इस विषय को समझा है कि इससे हमारे किसान भाई परेशान है, दुखी है, नाराज है, अपने किसी कर्म से विरत होकर के धरना दे रहे हैं। और उन्होंने बड़े हृदय का परिचय देते इसको वापस लेने की घोषणा की है जी। हम उनके कदम की सराहना करते हैं विवेक जी। हर वर्ग का सम्मेलन और सम्मान कर रही है बीजेपी, लेकिन बस किसान वर्ग ही रह गया था, तो उसको खुश करने के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है, तो इससे आने वाले चुनावों पे कितना असर पड़ने वाला है? नहीं, किसान मोर्चे का सम्मेलन उत्तर प्रदेश में बहुत पहले ही हो चुका है, कामेश्वर सिंह नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का अपना खुद का किसान मोर्चा है, और हम किसानों के बीच 365 दिन काम करते रहते हैं, तो हमारा एक दिन का विषय नहीं है किसान जी। विवेक जी एक सवाल और है मेरा कि जब दोनों की वार्ता हो रही थी सरकार और किसानों की, तो तीखे तेवर देखने को मिले थे कृषि मंत्री के, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया था कि कुछ भी हो जाए ये 3 नए कृषि कानून वापस नहीं होंगे क्योंकि ये किसानों के हित में है, तो आखिर ऐसा क्या हुआ, ऐसा कौन सा हृदय परिवर्तन हुआ जिसकी वजह से ये सरकार को वापस लेने पड़े? ऐसा मंत्री जी का कभी तेवर नहीं रहा, उन्होंने सरकार ने तो ये तक कहा था कि हम 1.5 साल तक के लिए कानूनों को होल्ड करने तैयार है। साफ तौर पे कहा था ये कृषि मंत्री ने कि कुछ भी हो जाए 3 कृषि कानून वापस नहीं होंगे, किसानों के हित में है, तो इससे तो बदल नहीं सकते आप विवेक जी। देखिए वार्ता के दौरान ऐसे तमाम पड़ाव आते हैं, किसान भी तो एसआरओ की तख्ती लेके जाते थे जी। तो अब जब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं हस्तक्षेप करके इन कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी है जी, अब इस विषय पे चर्चा का कोई औचित्य नहीं बनता, सारे विषय समाप्त होते हैं जी। अब किसान भाइयों से उम्मीद है कि वे अपने खेती कार्य में जाएं, खेती का किसान ही देखे और देश का कार्य सुचारू रूप से चले, अब ये सारा विषय समाप्त होता है जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पे हमारे साथ बीजेपी से विवेक श्रीवास्तव जी जुड़े थे, तो जिन्होंने बताया कि आज गुरु पर्व के दिन प्रधानमंत्री ने एक बड़ी सौगात दी है किसानों को, क्योंकि किसान परेशान थे और सरकार खास तौर से प्रधानमंत्री नहीं चाहते थे कि किसान परेशान रहे, जिसकी वजह से ये बड़ा फैसला लिया गया है और ये फैसला किसानों के हित में है, क्योंकि बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है और हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा आंदोलन भी रहा है, 1 साल लंबा आंदोलन चला है किसानों का, कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा और शांति प्रिय तरीके से ये आंदोलन किया गया है। आपको बता दें कि उग्रता नहीं देखने को मिली, हाँ कुछ अराजक तत्वों ने इस आंदोलन को बिगाड़ने के लिए, किसानों की छवि खराब करने के लिए जरूर कुछ अराजक तत्वों ने कोशिश जरूर की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। शांतिपूर्ण तरीके से 1 साल तक किसानों ने अपना आंदोलन पूरा किया, कई किसानों की इसमें मौत भी हो गई, इसके बावजूद किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे। किसानों का कहना था कि इससे हमें हित नहीं है बल्कि भविष्य में किसानों का अहित होगा, कई बातें और कई मुद्दे निकल के सामने आ रहे थे, जिसपे अब ये निष्कर्ष निकल के सामने आया है कि
अब 3 नए कृषि कानून वापस होंगे। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश आने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उत्तर प्रदेश आने से पहले ही सुबह सुबह जनता को संबोधित किया प्रधानमंत्री ने, और संबोधन के दौरान उन्होंने ये बड़ा ऐलान किया है, जिसके बाद पक्ष हो विपक्ष हो या फिर किसान हो, सभी की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। और 3 नए कृषि कानूनों को वापस करने का जो ये फैसला लिया है, ये भी माना जा रहा है कि ये एक चुनावी एजेंडा हो सकता है, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा असर 3 नए कृषि कानूनों का पंजाब और उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा था। सबसे ज्यादा किसान इन दो जगह पे मौजूद हैं, जो इसका विरोध भी कर रहे थे। दिल्ली की सीमा पर जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा था, जगह जगह जाके किसान पंचायतें महापंचायतें और बैठकें कर रहे थे, किसानों को इसके हित और अहित बता रहे थे। तो इन सब चीजों को देखते हुए अब इस सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बड़ा ऐलान किया है। तो पीएमओ की तरफ से सुबह इस बात की जानकारी दी गई थी ट्वीट करके कि आज जनता को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसके बाद 9 बजे जब जनता के बीच प्रधानमंत्री आए, तो उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया। ऐलान था 3 नए कृषि कानूनों की वापसी। जिस तरह से एक साल तक किसान धरने पर बैठे रहे, दिल्ली की सीमाओं पर बैठे रहे, हर एक मौसम में, ठंड हो, गर्मी हो, सर्दी हो या फिर बरसात ही क्यों ना हो, वो वहां डटे रहे, अपने घर परिवार को छोड़ के कितने ही लोग वहां आए, सरकार से अपनी बात मनवाने की कोशिश की। ये बात कही जा रही थी कि सरकार मुख बधिर बन के बैठी हुई है, उनकी बात नहीं सुन रही है। कई दौर की बातें हुई कृषि मंत्री और किसानों के बीच की, कोई निष्कर्ष निकल जाएगा, लेकिन दोनों में से ही कोई भी अपनी बात से हटने के लिए तैयार नहीं था। जहां सरकार कह रही थी कि कुछ भी हो जाए 3 नए कृषि कानून वापस नहीं होंगे, ये किसानों के हित में है। सिर्फ कुछ ही प्रतिशत किसान है जो इन 3 नए कृषि कानूनों का विरोध कर रही है, लेकिन जो किसान है वो उसके समर्थन में। लेकिन अब सरकार को ये बात माननी पड़ी कि नहीं, किसान इसके पक्ष में नहीं है, लगातार विरोध कर रहे हैं, विरोध के सुर उठ रहे हैं, जिसको देखते हुए ये बड़ा फैसला लेना पड़ा। तो ये सवाल भी जरूर उठता है कि जब सरकार कह रही थी कि नहीं, कुछ चुनिंदा ही किसान ऐसे हैं जो इस कृषि कानून के विरोध में है, वरना किसान इस कानून से खुश हैं, तो आखिर इस 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की नौबत क्यों आन पड़ी, ये भी एक बड़ा सवाल है। और ये सबसे ज्यादा खुशी की बात है किसानों के लिए, क्योंकि वो अपना घर परिवार छोड़कर दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए थे, लगातार अलग अलग जिलों में और राज्यों में जाके पंचायतें कर रहे थे। वो चाहे किसान नेता राकेश त्रिकैती क्यों ना हो, वो यूपी से लेके बंगाल तक हर जगह गए, किसानों को एकजुट किया। एक बड़ा आंदोलन रहा है ये किसानों का, और सबसे लंबे वक्त तक चलने वाला, क्योंकि जब नवंबर में इस आंदोलन की शुरुआत हुई, तो जितने भी किसान थे वो अपने 6 महीने का राशन लेकर बॉर्डर पर पहुंचे थे कि उनको ये नहीं पता था कि सरकार कितने दिनों में कमजोर पड़ेगी और कितने ही दिनों में इन कानूनों को वापस लिया जाएगा। तो पूरी तैयारी के साथ आए थे, और ये आंदोलन 6 महीने नहीं, 1 साल चला। और अब अलग अलग दलों की, अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रिया भी इसमें सामने आ रही है। चलिए आपको सुनाते हैं कि किसने क्या कुछ कहा है। कमाल है, 600 किसानों की जब इसी धरना प्रदर्शन में मौत हो गई थी, तब प्रधानमंत्री जी का तो कभी ध्यान नहीं गया उन किसानों की तरफ, कभी उन किसानों के बारे में नहीं सोचा। लेकिन जब उनको एहसास हो गया है कि उत्तर प्रदेश में उनकी सत्ता जा रही है, किसान उनके विरोध में खड़ा है, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 340 किलोमीटर का सफर उन्होंने रथ से किया पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे, देखा उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, कि लाखों का हुजूम रात भर उनके स्वागत के लिए खड़ा रहा, एहसास हो गया सत्ता जा रही है। सत्ता का जाने का डर जब सताने लगा, तब किसान कानून भी वापस कर लिया। यह होता है लोकतंत्र की ताकत। इसलिए भारतीय जनता पार्टी भूल जाए तानाशाही, इस हिंदुस्तान में चलेगा तो सिर्फ लोकतंत्र। किसान आंदोलन में सैकड़ों किसानों की शहादतों के बाद आज काले कृषि कानून आतताई और संवेदनहीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वापस ले लिए हैं। किसानों को बधाई, किसान आंदोलन को बधाई, हम बधाई देना चाहते हैं सारी की सारी किसानों की पंचायतों को, जिन्होंने इस आतताई सरकार के ऊपर दबाव बनाया, अपनी जान की परवाह नहीं की। हम बधाई उन सारे देशवासियों को देना चाहते हैं जिन्होंने कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का समर्थन किया है।
आगे आने वाले समय में देश जीतेगा और भारतीय जनता पार्टी की ये संवेदनहीन। तो अनुराग भदौरिया जो कि सपा से प्रवक्ता हैं और सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से प्रवक्ता है, दोनों की प्रतिक्रिया सुनी आपने। किसानों को बधाई दी है और साथ ही जो इतने ज्यादा वक्त लगने के बाद इन कानूनों को वापस लिया गया है उसके ऊपर सवाल भी उठाए गए। हालांकि सभी खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि चुनावी वक्त है, सभी पार्टियां बीजेपी को निशाने पर लेकर चल रही थी, लगातार तंज कस रही थी, निशाना साध रही थी कि किसानों की सुध नहीं ले रही है सरकार और सरकार किसानों को मरने के लिए छोड़ चुकी है, लेकिन तीन नए कृषि कानून वापस करने को तैयार नहीं है। लेकिन आखिरकार जब ये तीन नए कृषि कानून वापस किए हैं तो सभी इसकी सराहना कर रहे हैं। आपको बता दें आज गुरु पर्व के दिन ये बड़ी सौगात दी गई है सरकार के द्वारा, जिसके बाद काफी खुशी देखने को मिल रही है किसानों में और कल एक अहम बैठक करी जाएगी जिस पर इस बात पर चर्चा की जाएगी कि अब आगे क्या करना है, किस तरह से अपने प्रदर्शन को खत्म करना है। और इस खबर पर हमारे साथ इमरान लतीफ जुड़ चुके हैं, आप से नेता है। इमरान जी, जिस तरह से ये तीन नए कृषि कानूनों को वापस करने का ऐलान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है उसकी हार है जी। आपको याद करना चाहिए कि कभी इन्हीं किसानों को खालिस्तानी बोला गया, कभी इन्हीं किसानों को आतंकवादी बोला गया, कभी इन्हीं किसानों को आंदोलनजीवी बोला गया, कभी इनको बांटने वाला बोला गया, इनके रास्ते में कीलें ठोकी गई, इनके लिए गड्ढे खोदे गए, इनके ऊपर पानी की बारिश की गई, इनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, इनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए, इनको जेल में डाला गया, इनको लहूलुहान किया गया। आखिर ये उन किसानों के साथ इस तरह का बर्ताव करने वाली जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और मोदी जी, आज इनको झुकना पड़ा किसानों के आगे, क्योंकि किसान हक पर थे और ये दरअसल जो पूरे देश का जो मूड है उसके सामने इनको झुकना पड़ा है, क्योंकि अब पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जमीन पूरे देश में खिसकती जा रही है। अभी जल्द ही 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, इन चुनावों में इनको साफ पता चल चुका है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारने वाली है और उसमें सबसे बड़ा जो कारण है वो किसानों के साथ जिस तरह का बर्ताव इन तीन काले कानूनों के जरिए केंद्र सरकार ने किया था उसमें बड़ा योगदान रहा है। इन काले कानूनों के खिलाफ जो आंदोलन रहा है, इस आंदोलन ने भारतीय जनता पार्टी की जमीन को पूरे प्रदेश में, पूरे देश में खिसकाने का काम किया, जिसकी वजह से केंद्र की मोदी सरकार को मजबूर होना पड़ा है। और इसमें ये दरअसल इसमें केंद्र सरकार कहीं से बधाई की पात्र नहीं है, मोदी सरकार कहीं से बधाई की पात्र नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कहीं से प्रशंसा की पात्र नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ किसानों की जीत है, किसानों के आंदोलन की जीत है। निश्चित रूप से ये किसानों के लिए अच्छी खबर है, देश की जनता के लिए अच्छी खबर है कि तीन के तीन जो काले कानून थे वो एक तरीके से किसानों का डेथ वारंट थे, तो इनको तो वापस लेना ही लेना था, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। मैं इतना ही कहूंगा, ये काम साल भर पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन केंद्र सरकार ने जब सब कुछ लुट गया, सब कुछ पिट गया, आखिर जो 700 लोग शहीद हुए, 700 से ज्यादा लोग, उनके परिवारों को क्या मुंह दिखाएंगे मोदी जी? क्या मुंह दिखाएगी भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने अपने परिवार के बुजुर्ग खो दिए, अपने परिवार के जवान खो दिए, उनको क्या मुंह दिखाएंगे? जिनके ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी गई, इनके मंत्री के बेटे ने गाड़ियां चढ़ा दी, लोग शहीद हुए, उनको क्या मुंह दिखाएंगे मोदी जी? तो कुल मिलाकर ये एक पूरी तरीके से घुटना टेकने का काम किया है केंद्र सरकार ने, ये पहले कर लेना चाहिए था, इनको कारपोरेट घरानों के सामने पहले ही घुटना टेक देना चाहिए था, ताकि इनको किसानों के सामने घुटना न टेकना पड़ता, क्योंकि कारपोरेट घरानों की गुलामी के चक्कर में ये तीनों काले कानून लाए गए थे और आज ये किसानों की जीत है, पूरे देशवासियों की जीत है। आज अगर कोई बधाई का पात्र है तो सिर्फ और सिर्फ आंदोलनरत किसान इसके लिए बधाई के पात्र है, आम जनमानस बधाई के पात्र है, जिसकी संवेदनाएं हमेशा किसानों के साथ जुड़ी रही। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसको लेकर जिस तरह से विपक्ष सरकार को निशाने पर ले रहा था, एक यही मुद्दा था जिससे किसानों को अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश कर रहा था विपक्ष, लेकिन अब इस मुद्दे को भी पीएम मोदी ने खत्म कर दिया है, तो अब क्या करेगा विपक्ष? नहीं, देखिए, विपक्ष किसानों के साथ खड़ा था और मैं सारे विपक्ष की बात नहीं जानता, मैं आम आदमी पार्टी की बात जानता हूं कि आम आदमी पार्टी पहले दिन से किसानों के साथ खड़ी है, चाहे वो सदन के अंदर की बात हो, माननीय राज्यसभा सांसद जी ने वहां पर अपना पुरजोर विरोध दर्ज किया, उन्होंने प्रधानमंत्री जी के सामने भी धरना प्रदर्शन किया, उन्होंने सदन के अंदर भी विरोध दर्ज कराया, सड़क पर हम लोगों ने
विरोध दर्ज कराया। किसान आंदोलनों के खिलाफ प्रदर्शन में हमारे तमाम साथियों को जेल जाना पड़ा, जिसमें मैं स्वयं शामिल हूं, और लखनऊ के अंदर हम लोगों ने प्रदर्शन किया। पूरे देश भर में आम आदमी पार्टी ने सड़कों पे उतर कर इन तीनों काले कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया। बिल्कुल बिल्कुल इमरान जी, सभी विपक्षी पार्टियों ने अपना समर्थन दिया है, और जिस तरह से किसानों को समर्थन दिया गया है उसका असर भी आज देखने को मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए इस खबर में। हमारे साथ इमरान लतीफ जी, आप पार्टी से नेता जुड़े थे, और अब हमारे साथ जुड़ चुके सपा से प्रवक्ता अनुराग भदौरिया। तो अनुराग जी, जिस तरह से सपा ने अपना पूरा समर्थन दिया था किसानों को, क्या कहेंगे इस पे? आपकी जो कोशिश थी वो रंग लाई? अनुराग जी, जिस तरह से किसानों को समर्थन दिया था सपा ने, और आज जो ये बड़ा फैसला लिया गया है पीएम मोदी के द्वारा, क्या कहेंगे इस पे? कितनी मेहनत आपकी रंग लेकर आई है? हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है अनुराग जी से। तो सभी विपक्षी पार्टियों ने पूरी कोशिश करी कि अपना समर्थन किसानों को देकर किसानों को अपने पक्ष में किया जाए। कोई ऐसा विपक्ष नहीं था जो कि किसानों के साथ ना खड़ा हो, लेकिन ये बड़ा मुद्दा बनता जा रहा था विपक्ष का, और इसी के तहत सरकार को निशाने पर लेकर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश भी कर रहा था विपक्ष। लेकिन आज सभी के मंसूबों में पानी फेर दिया है, सभी वर्गों को साधने में बीजेपी जुटी हुई है, और अब किसानों के लिए भी राह आसान कर दी है, और अपने लिए एक और हम कह सकते हैं समूह, पूरा किसानों का जो समूह है उसको भी अपनी तरफ करने की पूरी कोशिश कर ली है। क्योंकि किसान कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकार से इतने ज्यादा नाराज नहीं थे, सिर्फ 3 नए कृषि कानूनों को लेकर नाराज थे, जिसके बाद अब वो नाराजगी भी दूर कर दी है। और आपको बता दें कि 3 नए कृषि कानून वापस करने के बाद अब जो नाराजगी थी सरकार से किसानों की, वो दूर हो चुकी है, क्योंकि एक यही एजेंडा था विपक्ष के पास, लेकिन अब वो एजेंडा खत्म हो चुका है। और इस खबर में हमारे साथ अनुराग भदौरिया जुड़ चुके हैं, सपा से प्रवक्ता हैं। अनुराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बड़ी खबर सामने आई है, किसानों के पक्ष में सामने आई है, और ये जो बड़ा फैसला लिया गया, सपा ने पूरा समर्थन दिया था किसानों को, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि 600 किसानों से ज्यादा किसानों की मौतें हो गई थी, तो प्रधानमंत्री उसमें तो कुछ नहीं बोले। 600 किसान बर्बाद हो गए, परिवार बर्बाद हो गया, लेकिन जब उन्हें लगा कि उत्तर प्रदेश में सत्ता का डर सताने लगा, पूर्वांचल एक्सप्रेस में भी उन्होंने देखा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रात भर वहां पे दौड़े पे हैं, लाखों लोग जोर से उनका इंतजार कर रहे हैं, किसान और जनता, उन्हें एहसास हो गया सत्ता गई। लोकतंत्र में सत्ता का डर जब सताने लगा, तब उन्होंने किसान कानून वापस करने का सुध आई। भारतीय जनता पार्टी तानाशाही करना चाहती है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में जब भी जीतेगा तो लोकतंत्र जीतेगा। आज भी लोकतंत्र की जीत हुई है, जो किसानों ने 3 दिन धरना दिया, जो समाजवादी पार्टी के लोग और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस तरह से रोड पे जनता के बीच में रहे, 24 घंटे भी नहीं रोड शो के गुजरे, और किसान कानून वापस हो गया। ये होता है सत्ता का जाने का डर। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से प्यार है, जनता से कोई लेना देना नहीं है। अगर उनको ये पता चल जाए कल उनकी सरकार इसी डीजल पेट्रोल पे चली जाएगी तो कल वो 50 रुपए कर देंगे। ऐसे डरपोक लोग हैं, ये सत्ता से चिपके रहना चाहते हैं, इनको सत्ता चाहिए, सत्ता के अलावा इनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सत्ता और कुछ नहीं। ये हालत बड़ा मुद्दा था सपा के पास, कह सकते हैं हम सभी विपक्षी दलों के पास, किसानों का, क्योंकि भाजपा से जो इस वक्त की सरकार है उससे ज्यादा कुछ नाराजगी तो नहीं है जनता को, लेकिन ये मुद्दा भी अब विपक्ष से छिनता हुआ नजर आ रहा है। क्या कहेंगे आप, कौन से एजेंडे के साथ चुनाव लड़ा जाएगा? पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी इतनी तेजी से बढ़ी हुई है, चारों तरफ हाहाकार है, और आप अभी मुद्दों की चिंता में लगे पड़े हैं। कमाल है भाई, अरे हम तो चाहते ही हैं मुद्दे खत्म हो जाएं, सारे लोगों को सुख सुविधाएं मिल जाए। मुद्दे बीजेपी के लिए हो सकते हैं, हमारे लिए क्या है कि समाज में कैसे संपन्नता हो, समाज के लोग कैसे खुश रहे, समाज में कैसे उन्नति हो, इसके लिए हम लड़ाई लड़ते हैं। जी, बहुत इस खबर पर हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी जुड़े थे, सपा से प्रवक्ता है। और आपको बता दें, गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त खुशी की लहर देखने को मिल रही है, मिठाइयां बांटी जा रही है किसानों के द्वारा, तो ये बड़ी खबर है जिसकी वजह से अब किसानों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। एक लंबा युद्ध लड़ा है किसानों ने, और खुशी की लहर देखने को मिल रही है।
बड़ा ऐलान किया आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कह सकते हैं बड़ा तोहफा दिया है क्योंकि किसानों के हित में ये फैसला माना जा रहा है। किसान जो है वो कह रहे हैं कि उनके हित में ये फैसला है क्योंकि 3 नए कृषि कानूनों से किसान बिल्कुल खुश नहीं थे जिसकी वजह से वो आंदोलन कर रहे थे, उनके पक्ष में अब ये एक बड़ा फैसला आया है। ये किसी त्योहार से कम तो नहीं, और त्योहार के दिन जब ऐसा तोहफा मिला है तो मिठाई बांटने का मौका मिल गया है किसानों को। तो तस्वीरें सामने आ रही हैं गाजीपुर बॉर्डर से, जहां मिठाइयां बांटते हुए अब किसान नजर आ रहे हैं, जहां अलग अलग दलों की जो प्रतिक्रिया है वो भी सामने आ रही है। लेकिन किसानों के बीच जो खुशी देखने को मिल रही है वो मंजर भी अलग है। अब कल इस पे चर्चा भी की जाएगी कि किस तरह से अब आगे की रणनीति बनाई जाए, क्योंकि दो मांगें थी किसानों की, पहला कि ये 3 नए कृषि कानून वापस हो जाए, और दूसरा कि जिस तरह से ये जो कर रहे थे किसान, किसानों की जो MSP वाली मांग थी, अब उस पे चर्चा होगी कि क्या उसको किस तरह से लिया जाए। MSP की मांग कर रहे हैं किसान, और इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता गौरव जुड़ चुके हैं, जिससे जानेंगे कि किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है किसानों के बीच। गौरव, किस तरह का किसान इस समय खुश नजर आ रहे हैं और कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? किसान संगठनों ने नरेंद्र मोदी के जो ऐलान किया है झांसी में, इसका पूर्ण तरह से स्वागत किया। उनका कहना है कि हम चाह रहे थे कि देश का प्रधानमंत्री, जो देश का राजा है, वो इन कानून को वापस ले, जिस तरह की जो लगभग 11-12 महीने से जो आंदोलन चल रहा है उसको ख़त्म किया जाए। कई किसानों को उसमें नुकसान भी हुआ, कई की मौत भी हुई है, और तमाम लोग इससे परेशान थे। उनका ये कहना है कि बहुत सही समय पर उन्होंने ये वापस लेने का ऐलान किया है, पर कुछ कुंठा भी उनके मन में है कि इतना समय क्यों लगाया गया। अगर ये कानून वास्तव में उनके नज़र में आया कि इसमें सहमति नहीं बन पा रही थी, समझौता नहीं हो पा रहा था, तो इतना समय क्यों लगाया, क्योंकि काफ़ी संगठनों में इसकी नाराजगी भी है, और साथ ही साथ बड़े संगठनों ने इसका स्वागत भी किया है, और कुछ संगठनों ने ये भी किया कहा है कि कानून तो वापस लिया, पर जब तक इसको संसद में इसको रद्द नहीं करेंगे तब तक हमारा आंदोलन वापस नहीं होगा। गौरव, एक बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर एकदम से हृदय परिवर्तन कैसे हो गया, राजनीतिक एजेंडा है, क्योंकि आज UP आने वाले PM मोदी। देखिए, आपको बता दूं 2022 के विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में, और जाहिर तौर की बात है कि केंद्र की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर जाता है, और जिस तरह से वोट बैंक की अगर मैं बात करूं तो 60% आबादी जो है वो किसानों की है, यानी ग्रामीण की है, और वहीं से वोट बैंक उठता है, वहीं से अधिकांश यानी जो वोटिंग में बढ़ोतरी होती है वो ग्रामीण इलाकों से ही होती है। वहाँ हुजूम का हुजूम वोट बैंक करने आता है, गुस्सा है देखने को मिलता है, पर जिस तरह से किसी कानून के मद्देनज़र लगातार किसानों में यानी रोष व्याप्त था और उनके अंदर पीड़ा थी कि सरकार ये वापस ले, क्योंकि तरफ से अभी हाल में ही लखीमपुर कांड हुआ तो उसकी वजह भी किसान कानूनी था। मैं आपको बता दूं कि किसान वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, वहाँ पर जो भी कांड हुआ वो सब जग जाहिर है, उसमें नई बात नहीं है, पर एक चीज़ साफ है कि जिस तरह से कानून को समय पर वापस लिया गया, कुछ समय जरूर इसमें लगा है, पर यह माना जा सकता है कि किसान संगठनों का जो एक बड़ा वोट बैंक है उसको साधने का प्रयास किया गया है, और विधानसभा चुनावों को देखते हुए ये बड़ी पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई है। उन्होंने कहा है, साफ तौर पर कहा है, हालांकि वो कहते हुए द्रविड़ भी होगा, उनका कहना था कि मैं बहुत भावुक हूँ क्योंकि मैं ये कानून जो है मैं किसानों के लिए बना के लाए थे, पर मैं इसका किसानों को लाभ नहीं दे पाया हूँ, पर किसान लोग नहीं समझ पाए, इसलिए मैं इन कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर रहा हूँ। गौरव, राजनीति में दूरदर्शिता भी बहुत अहम होती है, हम कह सकते हैं कि दूरदर्शिता के कारण ही इतना वक्त लगाया है, क्योंकि जिस तरह से एक साल का लंबा वक्त लगा, सरकार ने कई बार कोशिश भी करी है किसानों को समझाने की लेकिन वो उसमें सफल नहीं हुए, लेकिन इस वक्त ऐसे मौके पर आके ये बड़ा ऐलान करना जब चुनाव नजदीक है और खुद PM मोदी सौगात देने के लिए बार बार उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश और पंजाब के सबसे ज्यादा इसका असर देखने को मिल रहा था, तो इस वक्त ऐसा बड़ा ऐलान करना क्या ये चुनावी एजेंडा नहीं है? क्योंकि जब इतना बड़ा ऐलान किया जाएगा तो सीधी सी बात है कि BJP के पक्ष में सारे किसान आ जाएंगे, और ऐसे जिस तरह से सभी पक्षों का समर्थन मिल रहा था किसानों को, तो ऐसे तो सारे वोट बंट जाते हैं अलग अलग पक्षों में, लेकिन आज एकजुट होकर BJP के पाले में आ सकते हैं सारे किसान। बिल्कुल आ सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से पंजाब की अगर किसी व्यवस्था की बात करें या उत्तर प्रदेश की किसी व्यवस्था की बात करें, उत्तर भारत कृषि के मामले में सबसे आगे है, और पंजाब की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें तो बहुतायत में यहाँ पर कृषि उत्पादन होता है, जिसको और बहुतायत में यहाँ किसान संगठन भी है, और ख़ासतौर पर किसानों की यानी ऐसी वोट बैंक है जो कि सत्ता परिवर्तन से लेकर तमाम चीज़ों में हमेशा आगे रहता है, और बड़े बड़े किसान नेता उत्तर प्रदेश और पंजाब से ही आते हैं। अगर मैं किसी कानूनों की बात करूँ, लगातार आंदोलन चलाया जा रहा था,
लगातार सरकार ने प्रयास किए, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने लगातार प्रयास किए, कई दौर की वार्ता हुई पिछले साल 11 महीने लगातार, पर जो भी वार्ता रही वो बेनतीजा रही कि किसान मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांगने के तौर से नीचे बात नहीं कर रहे थे, और तमाम चीज़ें ऐसी थी जो सरकार ने उनको सुझाव भी दिए, पर किसान संगठन थे खासतौर से जो किसान नेता राकेश टिकैत हैं या जो बड़े नेता हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह रहे थे कि हम किसी कानून को वापस लेने की कम पर तैयार नहीं होंगे। और खासतौर पर अगर वोट बैंक देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, जनता को संबोधित भी कर रहे हैं, और बड़ा चुनाव है। मैं कहना आपको कि केंद्र की सत्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही जाती है, इसलिए किसानों को नाराजगी से लेकर और तमाम जनता को सौगातें देने तक कमलेश यादव किसान नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मिठाइयां बांटी जा रही है गाजीपुर बॉर्डर पर, किसानों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे इस पे? कमलेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? किसान नेता से तो लगातार जो बयानबाजी का दौर चालू हो गया है, आपको बता दें कि सुबह सुबह जब पीएम ने ये अपनी बड़ी ऐलान करा है संबोधन के दौरान, तो उसके बाद से ही बयानों का दौर शुरू हो गया है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कमलेश यादव जी, जो किसान नेता है। कमलेश जी, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है किसानों के बीच? गाजीपुर बॉर्डर पर मिठाइयां बांटी जा रही है, तो काफी बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती किसानों की, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम लोग, हम सभी किसान भाई अन्नदाता। ये किसान की अन्नदाता की बहुत बड़ी लड़ाई थी जो आज 14-11-12 महीने से हम लोग बराबर लड़ रहे थे, और उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो हमारे 700 से ज्यादा हमारे भाई उनके जिनके परिवार के जो शहीद हुए उनको भी नमन करते हैं। आज एक बड़ी जीत किसानों ने, बड़ी उपलब्धि हासिल की, और देश के प्रधानमंत्री ने किसानों के सम्मान में 3 कृषि कानून को वापस लिया, इसके लिए उनके इस वचन को बहुत बहुत स्वागत और वंदन अभिनंदन करता हूँ। जी कमलेश जी, कल किसान संगठन की बैठक होने वाली, इसमें कई संगठन हिस्सा लेंगे, तो किन मुद्दों पे बातें हो सकती हैं? अब देखिए, हम लोग संयुक्त मोर्चे के सदस्य हैं, संयुक्त मोर्चे में जो भी हमारे बड़े पदाधिकारी हैं वो सभी लोग बैठेंगे, विचार विमर्श होगा। अभी तक जो विरोधाभास होता, जो किसानों का प्रदर्शन पे चल रहा था, अब संगठनों के अंदर बैठ करके चर्चा की जाएगी कि आने वाले एक साल जो पूरा हो रहा है हमारा 26 नवंबर को, उसको हम लोग कैसे मनाएंगे, कैसे खुशी मनाएंगे, कैसे देश के हित के लिए, प्रदेश के लिए, उस जनता के लिए जिनको कठिनाइयां हुई उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि एक साल से बॉर्डर बंद है, हमारे देश के जो अन्नदाता लड़ाई लड़ रहे थे उसमें पूरे देश का सहयोग रहा, पूरे प्रदेश के जितनी भी जनता जनार्दन उन सबका सहयोग रहा, उनके सहयोग से आज हम लोग लड़ाई जीते हैं। तो हम अपनी खुशी को कैसे इजहार करेंगे, कैसे आगे चर्चा करें, इसी पे हमारी 26 की तारीख की चर्चा। कमलेश जी, अगर आपकी बात करी जाए तो क्या आपके संगठन है और सरकार के फैसले से खुश है? क्योंकि अभी भी ये चीज सामने आ रही है कि जो राकेश टिकैत है वो सरकार के फैसले से अभी भी खुश नहीं नजर आ रहे, उन्होंने कहा किसी भी ऐलान किया अभी ये वापस हुआ नहीं है। नहीं, देखिए बात उसकी है कृषि कानून की, देश के प्रधानमंत्री हैं और सर्वोच्च न्यायालय ने भी हमारा स्वागत बार बार हमारा साथ दिया है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, और देश हित के लिए जो प्रधानमंत्री ने कहा है उसका हम सहयोग करते हैं, उसका स्वागत करते हैं। हम सभी लोग जो संयुक्त मोर्चे के लोग हैं वो भी स्वागत करते हैं, और हमारी बच्ची MSP भी है, उस पर भी प्रधानमंत्री जी कुछ अपना बोल दें, उस पर भी बता दें और उसमें भी सहयोग करें, इसके लिए उनका सब बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कमलेश जी, MSP की मांग भी उठ रही थी, इस पे क्या कहेंगे? अभी उसके ऊपर तो कोई चर्चा नहीं की गई है। हमारे 3 कृषि कानून थे वो वापस हो गए हैं, और MSP पर भी गारंटी के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, सभी लोग और हमारे किसान संगठन के जो सभी लोग बैठ करके एक बार चर्चा करेंगे, उसके लिए भी उन्होंने बताया है कि कोई समिति गठन की जाएगी। तो इस प्रकार अगर चर्चा हो करके हमारे जो भी मांग है उस पर विचार किया जाएगा, तो हम इसके लिए बहुत बहुत स्वागत और वंदन अभिनंदन करें। एक बड़ा सवाल और सामने आ रहा है कमलेश जी, कि क्या सरकार से कोई और मुद्दों पर भी नाराजगी थी या सिर्फ 3 नए कृषि कानून पे? अगर 3 नए कृषि कानून पे थी तो वो नाराजगी तो आज पीएम मोदी ने खत्म कर दी, आने वाले समय में चुनाव है, तो क्या किसानों का समर्थन मिलेगा भाजपा को? देखिए, ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि क्योंकि जनता जनार्दन है, ये किसको समर्थन करेगी, किसको क्या करेगी, लेकिन जो किसान की, जो किसान संगठनों की, जिन किसानों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के मुखिया या सरकार या जो उनके जन प्रतिनिधि थे वो अभी तक उनको किसान मानने के लिए तैयार नहीं थे, आज की डेट में वो उन्हीं किसानों को अन्नदाता और देवता मान करके उस चीज को वापस लिए जिसके लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे, तो इसलिए हम उनका
धन्यवाद देते हैं और देश के पूरे प्रदेश के जो हमारी जनता है उन सबका धन्यवाद देते हैं और एमएसपी पर भी चर्चा करेंगे, चर्चा होगी जल्द। कमलेश जी, जिस तरह का व्यवहार देखने को मिला है बीते 11-12 महीनों से, दिल्ली के बॉर्डर पर कीले लगा दी गई थी, लाठी डंडे बरसाए गए, वाटर कैनन से हमला किया गया, किसानों को रोकने की बहुत कोशिश की गई, एक बड़ा युद्ध था, तो जो रवैया देखने को मिला है सरकार का, तो क्या उससे कोई शिकायतें हैं या फिर आज के ऐलान के बाद संतुष्ट हैं आप, सब भूलने को तैयार है? देखिए, लड़ाई हमारी देश के मुखिया से थी, देश के मुखिया से हम अपनी बात कर रहे थे, वो अपनी बात कर रहे थे, हम उनके ऊपर विरोधाभास कर रहे थे, हम उनको हर बात बोल रहे थे, वो हमें बोल रहे थे, लेकिन जो लड़ाई मेन थी हमारी, तीन कृषि कानून जहाँ से शुरुआत हुई थी, आज 14 महीने हो गए इस कानून को पास की हुए, 14 महीने के बाद आज सरकार ने घुटने टेके, किसानों की बात मानी, इसलिए उनका आज हम धन्यवाद देते हैं। और आज गुरु नानक जिनकी जयंती भी है, तो बड़ा तोहफा मिला है जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पर हमारे साथ कमलेश यादव जी, किसान नेता, हम जुड़े थे। और अब हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं, सुभाष चंद्र यादव जी। सुभाष जी, जिस किस तरह से देखते हैं आप इस बड़े ऐलान को, क्योंकि आज यूपी आने वाले हैं पीएम मोदी और बड़ा ऐलान किया है आने से पहले ही? देखिए, सबसे पहले तो जो केंद्र सरकार ने और प्रधानमंत्री जी ने जो तीनों कृषि कानून को वापस लेने का फैसला किया है, ये बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है जी। और मैं समझता हूँ इस फैसले को उनको बहुत पहले ही ले लेना चाहिए था जी। लेकिन इसके अगर राजनीतिक नजरिए से देखा जाए तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव को ध्यान में रखते हुए जी। सरकार ने ये बहुत ही दूरगामी परिणाम को देखते हुए फैसला लिया है, तो कहीं ना कहीं इनके राजनीतिक स्वार्थ इस फैसले के अंदर निहितार्थ है। किसानों की जीत हुई इसके अंदर कोई शक नहीं है, लेकिन इस फैसले को वापस लेने के अंदर राजनीतिक दृष्टि की सोच, दूरगामी परिणाम कहीं ना कहीं इनकी नजर में है, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर हम केंद्रीय कृषि कानून तीनों अगर वापस नहीं लेते तो उत्तर प्रदेश के 2022 के आने वाले चुनाव के अंदर इनको बहुत ही ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता था जी। अगर प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता की बात करें तो बिल्कुल उनकी तारीफ करनी बनती, क्योंकि इनके जितने भी फैसले रहे उनको राजनीति में उसका काफी अच्छा परिणाम देखने को मिला है। और आज के दिन जिस तरह से ये बड़ा ऐलान किया है तो हम कह सकते हैं कि राजनीति में उन्हें काफी इसका अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा, आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, इस मामले में मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सोच है, जो उनकी दूरदृष्टि है, बहुत ही दूर की है, वो काफी दूर की सोचते हैं और उनके जो फैसले हैं बहुत ही सही समय पे लिए जाते हैं। हाँ, ये है कि ये फैसले अगर पहले ले लिए गए होते तो इसके बहुत ही ज्यादा उनको फायदे मिलते। लेकिन सुभाष जी, अब जो चुनाव है उसमें बहुत कम वक्त बचा है और विपक्ष इसी को मुद्दा बना रहा था, अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, वो भी चुनाव के वक्त, तो ये एक बड़ी अच्छी सोच कह सकते हैं। उसी बात पे आ रहा था, मैं यही बोलना चाह रहा था कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी इस फैसले को बहुत पहले अगर ले लिए होते तो शायद उन्हें बहुत ज्यादा फायदा मिलता, लेकिन विपक्ष इसी मुद्दे को वो इशू बनाएगा, क्योंकि विपक्ष यही बात को उठाएगा जोर शोर से कि चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, उसे ध्यान में रखते हुए, उन्हें पता है कि किसानों का आक्रोश बहुत ऊपर चल रहा है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस फैसले को वापस लिया अब जाकर। सुभाष जी, जहां देखा जाए कि पंजाब में भी तीन नए कृषि कानूनों को खासा असर देखने को मिल रहा था और वहां पे कांग्रेस में फूट पड़ती हुई दिख रही है, वहां पे अंदरूनी विवाद चलता रहता है, तो वहां के किसानों को भी साधने की कोशिश मान सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, इस फैसले को वापस लेने से वहां पे भी किसानों को पूरी तरह साधने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया है, क्योंकि उन्हें पता है कि अकाली दल जो उनका पुराना सहयोगी था वो भी केंद्रीय कृषि कानूनों के ऊपर ही उनसे वापस समर्थन ले चुका था, उन्हें पूरी अच्छी तरीके से चीज को पता था, तो कहीं ना कहीं उन्होंने पंजाब के किसानों को भी और पंजाब के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए दोनों चीजों को एक साथ देखते हुए साधने का पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी जी ने प्रयास किया है। इस तरह से डिकैत ने छोटी छोटी से लेके बड़ी बड़ी महासभा करी है, किसानों के बीच गए हैं, तीन नए कृषि कानूनों के बारे में किसानों को जागरूक किया है, अभी भी वो खुश नजर नहीं आ रहे, उनका कहना है कि अभी से बोला गया है वापस नहीं लिया गया है, इस पे क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, उनका कहना भी कहीं ना कहीं सच है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिर्फ घोषणा की है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका इस तरीके से बयान देना मुझे नहीं समझ में आता, हो सकता है उनके भी कुछ राजनीतिक स्वार्थ निहितार्थ इसके अंदर, लेकिन जब मोदी जी ने इसकी घोषणा कर दी है तो देर से इस फैसले को वो वापस ले ही लेंगे, लिखित के अंदर लिया जाएगा, इसके बारे में कुछ ज्यादा बोलने से बेहतर है कि इस चीज को थोड़ा तो भरोसा बनाना ही पड़ेगा। अगर आप सोचें कि सारी चीजें ताबड़तोड़ या तुरंत हो जाए तो नहीं हो सकता, एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को करने में थोड़ा सा वक्त जाता है, हाँ, लेकिन उनको कम से कम इस बात की तसल्ली करनी चाहिए और एक बार केंद्र के ऊपर भरोसा करना भी चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं इस चीज की घोषणा की कि वो तीनों कानून वापस ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो तीनों कृषि कानून वापस ले लिए जाएंगे, जल्दी वो प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी।
जी सुभाष जी, किसान मोर्चा ने बैठक का ऐलान किया और साथ ही जो टिकैत है उनका भी एक बयान सामने आया कि और भी मुद्दे हैं जिन पे चर्चा होनी चाहिए, तो कौन से वो मुद्दे हो सकते हैं? केंद्रीय कृषि कानून के संबंध में कई और मुद्दे भी हैं जिनके बारे में चर्चा होनी चाहिए थी। अब उसके बारे में शायद केंद्रीय कृषि मंत्री या फिर जो भी केंद्रीय कमेटी बनेगी या किसानों की जो भी कमेटी बनेगी उसके अंदर वो लोग बैठ के जो भी फैसला लेते हैं लेंगे, लेकिन हाँ एक बैठक होनी चाहिए थी ताकि पूरी तरीके से उस चीज के ऊपर चर्चा हो जाए और इस कानून के ऊपर पूरी पारदर्शिता बनी रहे ताकि किसानों को भी उस चीज के बारे में पता रहे कि हाँ जो भी चीजें हो रही है वो हमारे हित के अंदर हो रही है। जिस तरह से आज सुबह सुबह पीएमओ का ट्वीट आता है कि आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे, उसके बाद पीएम ये बड़ा ऐलान कर देते हैं, वो भी अचानक से, कोई इसकी पहले से भनक तक नहीं थी किसी को कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। जिसने भी लोगों ने सुना है वो सब अचंभित रह गए कि ये तो हो नहीं सकता था, क्योंकि कृषि मंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि कुछ भी हो जाए 3 नए कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। तो जो ये अचानक ये फैसला लिया गया है तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, ऐसा क्या हुआ जो परिवर्तन हो गया? देखिए कोई भी अचानक फैसला नहीं लिया जाता, जो भी प्रधानमंत्री मोदी जी को जानते हैं अच्छे तरीके से वो इस तरह से वाकिफ भी होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी की जो टाइमिंग है वो गजब की है। राजनीति के तौर पे अगर देखा जाए तो आज के दौर में मुझे नहीं समझ में आता उनसे बड़ा कोई नेता है जी। उन्होंने इसके पहले सिर्फ यही, ये कृषि कानून के ऊपर ही नहीं, आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में चले जाइए कि नोटबंदी का उनका जो फैसला था वो भी अचानक से लिया गया था, उसके बारे में भी किसी को पता नहीं था। 370 का जो फैसला लिया गया तो वो भी अचानक से लिया गया था, उसके बारे में भी किसी को पता नहीं था। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री के जो फैसले होते हैं उनकी टाइमिंग बड़ी गजब होती है और सोची समझी प्लानिंग और सोची समझी ताकत के तरह फैसले लेते हैं जी। सुभाष जी आप कह रहे हैं कि अचानक फैसला नहीं, अगर सोचा समझा फैसला है तो क्या पंजाब और पश्चिमी यूपी को और उत्तराखंड को साधने की कोशिश है, क्योंकि सबसे ज्यादा यही असर देखने को मिल रहा था किसानों के ये 3 नए कृषि कानूनों का? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इन चुनावों को साधने का पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है और उसी के मद्देनजर रखते हुए कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला उन्होंने किया है जी। लेकिन मुझे समझ में आता है कि थोड़ा सा लेट हो गई सरकार जी। सरकार को इस फैसले को बहुत पहले अमल में लाना चाहिए था जी। ये थोड़ा सा लेट हो गए। हाँ, इस फैसले को वापस लेने से कुछ इनकी जो क्षतिपूर्ति होने की संभावना थी वो कहीं ना कहीं ठीक होने का प्रयास होगा, लेकिन मुझे ये नहीं लगता है कि इन तीनों प्रदेशों के अंदर जो चुनाव होंगे वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को इस फैसले से उनको फायदा पहुंचा देंगे, बिल्कुल होने की संभावना नहीं है जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पर हमारे साथ सुभाष चंद्र यादव जी जुड़े थे, राजनीतिक विश्लेषक हैं, जिन्होंने बताया कि थोड़ी सी देर हो गई है इस फैसले के चलते, लेकिन जो फैसला देर से लिया गया लेकिन किसानों के हित में लिया गया है। तो राष्ट्र के नाम ये संबोधन दिया गया और आपको बता दें कि बड़ा फैसला लिया गया है। हमने जितने भी नेता और प्रवक्ता से बात करी है या फिर किसान नेता से बात करी है, सभी ने एक ही चीज कही है कि सरकार ने ये बहुत अच्छा फैसला लिया है लेकिन इसको लेने में काफी देर कर दी। अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो बीजेपी ने ये एक बड़ा कार्ड खेला है, क्योंकि जो मुद्दे थे तो उसमें से सिर्फ दो ही मुद्दे थे, एक महंगाई का जिसपे कोई बात नहीं कर रहा और दूसरा था किसानों का कृषि कानून, और कृषि कानून को लेकर एक बड़ा ऐलान कर देना बीजेपी के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा वोट बैंक किसानों का है। किसान इस वक्त सबसे ज्यादा नाराज नजर आ रहे थे और नाराज होने की वजह थी 3 नए कृषि कानून, और 3 नए कृषि कानूनों की जो समस्या थी वो तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाप्त कर दी है। विपक्ष के बाद अब क्या मुद्दा बचा है? जो सबसे बड़ा मुद्दा था और किसानों को साधने की जो कोशिश थी वो तो समाप्त ही हो गई है, तो अब ये बड़ा सवाल है कि अब किन मुद्दों पे इस बार का चुनाव होगा, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अब बहुत ही कम वक्त बचा है चुनाव में और इस सबसे पहले पंजाब, उत्तराखंड और यूपी का चुनाव है। ये इन तीनों ही जगह पे इन तीनों नए कृषि कानूनों का काफी असर देखने को मिल रहा था, किसान आंदोलनरत थे। और अगर बात करी जाए उत्तराखंड और यूपी की तो दोनों जगह बीजेपी की सरकार है और लगातार सम्मेलनों का दौर चल रहा है, हर वर्ग विशेष को या फिर जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, विकास के मुद्दे पर सभी को साधने की कोशिश करी जा रही है। उसमें मौत हो गई थी तब प्रधानमंत्री जी का तो कभी ध्यान नहीं गया उन किसानों की तरफ, कभी उन किसानों के बारे में नहीं सोचा, लेकिन जब उनको एहसास हो गया है कि उत्तर प्रदेश में उनकी सत्ता जा रही है, किसान उनके विरोध में खड़ा है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 340 किलोमीटर का सफर उन्होंने रथ से किया पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे, देखा उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी ने कि लाखों का हुजूम रात भर उनके स्वागत के लिए खड़ा रहा, एहसास हो गया सत्ता जा रही है, सत्ता का जाने का डर जब सताने लगा तब किसान कानून भी वापस कर लिया। ये होता है लोकतंत्र की ताकत।
और इस खबर में हमारे साथ अब अरुण राजभर जी जुड़ चुके हैं सुभाषपा से। अरुण जी, जिस तरह से ये खबर सामने आई है, क्या कहेंगे, कितनी बड़ी उपलब्धि है किसानों के लिए और विपक्ष के लिए? कृषि कानून काला कानून है जी, इसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वापस लेनी चाहिए। लेकिन ये किसानों को इतना बेहतर बता रहे थे इस कानून के बारे में कि आज वही बताने वाले अपनी हार स्वीकार कर लिए कि नहीं, किसान जो मांग जायज रख रहे थे वो मांग जायज थी, वो किसानों के पक्ष में नहीं थी, वो किसानों के खिलाफ थी जी। तो आज ये जो क्रूरता दिखाई है, किसानों की शहादत, 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए, उनको आतंकवादी तक का संज्ञा दिया गया, नकली किसान कहा गया, खालिस्तानी भी कहा गया, तमाम चीजों से नाराज़ कह दिया गया, उसके बाद भी ये हिटलर शाही और ये बदतमीज भाजपाई उसको उस कृषि कानून के बारे में इतना बढ़िया बढ़िया लच्छेदार बात बताते थे कि बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। लेकिन आज ये किसानों की हार नहीं हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी की हार हो गई कि 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं और 5 राज्यों की जनता मन बना चुकी है कि महंगाई से आज पूरा देश तराई तराई कर रहा है। जी अरुण जी, इलेक्शन से ठीक पहले इतना बड़ा ऐलान करना, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ये चुनावी है, सब सीधे सीधे है कि ये चुनाव का डर है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ देश की जनता है और देश हर राज्य में बस्ती आंदोलन हो रहा है। ऐसा नहीं है खाली उत्तर प्रदेश या पंजाब हरियाणा में हो रहा, पूरे देश में किसान आंदोलन था और किसानों ने जो मन बनाया था कि भारतीय जनता पार्टी जब तक इस काले कानून को वापस नहीं लेगी तब तक आंदोलन चलता रहेगा और ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक भारतीय जनता पार्टी देश से सफा नहीं हो जाएगी, उत्तर प्रदेश से साफ नहीं हो जाएगी। तब तक हर एक मतदाता, हर एक नागरिक यह मन बना चुका है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, ये सीधे सीधे गरीब, किसान, मजदूर, व्यापारी, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक समाज के हर तबकों के साथ अन्याय करने वाली सरकार को अब देश में जगह नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि महंगाई आज चरम सीमा पर है। भारतीय जनता पार्टी बताए ना कि आज महंगाई जो वादा करके आए थे कि हम 30 रुपया डीजल बेचेंगे, 32 पेट्रोल बेचेंगे, आज 95 पेट्रोल, 84 डीजल बेच रहे हैं, 400 का सिलेंडर एक, जो गैस सब्सिडी देते थे आज सब्सिडी खत्म कर दिए हैं, जो आपके खाद, जो यूरिया थी, यूरिया के रेट जो 350 हो गया, दाई का रेट जो हो गया 1900 हो गया, और ये आखिरकार महंगाई किसानों पर इतना अत्याचार करके आप देश में नहीं शासन चला सकते हैं। सरकार नियम होती है कि जनता के हित में होनी चाहिए, लेकिन ये सरकार पूंजीपतियों के लिए, ये सरकार अडानी अंबानी के लिए, देश की जनता जानती है कि अडानी अंबानी के गोद में बैठे मोदी और उन्हीं के लिए सारे कानून बनाते हैं, उन्हीं के लिए। मैं तो कहता हूँ जातिवाद जनगणना के लिए कानून क्यों नहीं लाते हैं, क्योंकि देश का पिछड़ा वर्ग चाहता है, देश का गरीब चाहता है कि हमारी जिंदगी और हमारी भागीदारी हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं कराना चाहती। लेकिन जनता अब इनको उखाड़ेगी, भगाएगी, खदेड़ेगी, इसलिए अब ये डरे हुए हैं। जी अरुण जी, इससे विपक्ष को कितना बड़ा झटका लग सकता है इस बड़े ऐलान से? देखिए, इस ऐलान से कुछ होना नहीं है। देखिए, इससे भारतीय जनता पार्टी की हार वो मान चुके ना, बतावे ना कि जो शहीद किसान हुए उनको शहीद का दर्जा देंगे, उनके घर जा करके माफी मांगेंगे, थूक कर तो चाट लिए ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। हकीकत तो जनता के सामने आ गई ना कि जो कृषि कानून को आंदोलन की भी मोदी जी कहते थे, अब तो थूक तो चाट लिए, अब तो कह रहे हैं ना किसान सही रास्ते पर है, हम गलत रास्ते पर है। उत्तर प्रदेश देश का किसान जब जब अंगड़ाई लेता है तो क्रूरता की सरकार को वापस जाना पड़ता है। जैसे अंग्रेज भागे थे इस देश से, वैसे ही इस देश से भारतीय जनता पार्टी को भागना पड़ेगा सत्ता से, और देश में किसानों की सरकार बनेगी, बैकवर्डों की सरकार बनेगी, समाज के हर वर्गों को न्याय देने वाली सरकार बनेगी, तब जाकर के महंगाई कम होगी, तब बेरोजगारी दूर होगी। जी अरुण जी, जिस तरह से चुनाव से ठीक पहले इतना बड़ा फैसला लिया गया है और अब सिर्फ एक महंगाई का मुद्दा बचा है, तो क्या लगता है चुनाव तक क्या चीजों के रेट कम होंगे? देखिए, जैसे जैसे भाजपा हारेगी वैसे वैसे सारी चीजें कम होती रहेगी। देखिए, 2 करोड़ रोजगार की बात किया था, 15 लाख खाते में देने की बात किया था। देखिए, 2-4 जगह चुनाव बंगाल हार गए, बिहार में हारे, उत्तर प्रदेश हारेंगे, हरियाणा हारेंगे, महाराष्ट्र हारेंगे, जैसे जैसे पंजाब हारेंगे, जब चुनाव धीरे धीरे जहाँ जहाँ होंगे वहाँ वहाँ हार सुनिश्चित होने लगेगी। वैसे ही भाजपा हारेगी तो 50 रुपया पेट्रोल देगी, 400 रुपया सिलेंडर देगी। और अरुण जी, जिस तरह से टिकट बंगाल गए थे और बंगाल में चुनाव हार गई बीजेपी, तो क्या इसी के डर से इस बिल को वापस कर लिया गया, 3 कृषि कानून को वापस किया गया है? पूरब से लेकर पश्चिम तक भाजपा के नेता, मंत्री, विधायक, सांसद, यहाँ तक कि डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री सब भगाए जा रहे हैं गाँव से, क्योंकि महंगाई से परेशान
परेशान है। बताए ना भारतीय जनता पार्टी कि 2 करोड़ रोजगार देने की बात किया था, 75 लाख नौकरी उत्तर प्रदेश में देने की बात किया था, कहाँ गया इन्वेस्टर मीटिंग में जो करोड़ों अरबों रुपए खप हुआ दिखाया गया था, कहाँ गया समिट में जो बड़े बड़े कल कारखाने लगा रहे थे। आज उत्तर प्रदेश के नौजवान रोजगार नहीं पा रहे हैं। बताए ना जी, हारेंगे तो रोजगार भी देंगे, अपने आप देने लगेंगे, हारेंगे महंगाई अपने आप कम करेंगे। जी अरुण जी, एक साल का वक्त मांग रही थी सरकार की, एक साल बाद जब किसान समझ जाएंगे इन तीनों कृषि कानून के बारे में तो तब इसे लागू किया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही अब इसे वापस लेने की बात कही जा रही है, तो क्या भविष्य में ऐसा संभव हो सकता है कि दोबारा सरकार प्रयास करे इन तीनों कृषि कानूनों को लाने का? देखिए, आप देश की जनता को हम भारतीय समाज पार्टी की तरफ से यह आगाह करना चाहते हैं कि 2022 में जितने भी राज्य में चुनाव हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को हरा दीजिए, नहीं यह पुनः सरकार 2022 में सरकार अगर ये लोग बनाएंगे तो कानून फिर वापस करके जैसे फिर से लाएंगे और किसानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करेंगे, क्योंकि इस समय डर है कि अभी कानून वापस कर लो, चुनाव जीतने के बाद कानून वापस मत करो, नहीं तो चुनाव हार जाएंगे तो क्या होने वाला। तो मतलब एक बार फिर जीतने के बाद ये कानूनों को वापस से लागू किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, ये भाजपा ही पूंजीपतियों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पर ये कैसे संभव है, अब जो वापस लेने की बात कही जा रही है और इतना आंदोलन हो चुका है, इसके पक्ष में कोई नहीं था, तो दोबारा इसे कैसे लागू किया जा सकता है? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी का पेट भर जाएगा ना तो अपने आप, जैसे केंद्र में कोई कह रहा था कि इसको लागू कर देंगे, कोई कह रहा था वापस ले लेंगे, यहाँ तक कि जब देश की जनता ने मन बनाया, किसानों ने जब आंदोलन को धार दिया, शहादत दिया, ये तो है ना, लखीमपुर में किसानों अपने आप को गाड़ी के हवाले भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के बेटे ने किया, तो ये रोदने वाली सरकार को जब उत्तर प्रदेश की देश की जनता रोद करके सत्ता से बाहर करेगी अपने वोट से, तो अपने आप ये कोई कानून लाने लायक नहीं रहेंगे, कोई जनता के खिलाफ काम करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे, क्योंकि जनता के हित में अब भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर रही है ना आगे करेगी, ये हमेशा जनता के खिलाफ काम करेगी, ये जनता के हित में काम करने वाली सरकार नहीं, हिटलरशाही है, तानाशाही है, देखो ना तानाशाही, वन माइन इधर, दो माइन उधर, दो पूंजीपति उधर, दो नेता देश के नेता, तो ये अमित शाह मोदी ये दोनों देश को बेचेंगे, अडानी अंबानी के हाथ गिरवी रखेंगे, इस देश में वही अंग्रेजी हुकूमत लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन देश के जवान किसान मजदूर सब एकजुट हुए हैं, तो इनको झुकना पड़ा है और झुकेंगे, आगे भी झुकेंगे, जब हारेंगे झुकेंगे, और देश की जनता आगे बढ़ेगी, देश आगे बढ़ेगा, भारतीय जनता पार्टी सफाया होगा, हर राज्य में सफाया होगा, उत्तर प्रदेश में तो बहुमत से सफाया जी बिल्कुल। तो अब ये जनता के हाथ में है कि बदलाव होगा कि नहीं होगा, किसानों को साधने की कोशिश तो कर ही रही है सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। अरुण राजभर जी सुभाषपा से जुड़े हुए थे और अब हमारे साथ अंबुज पटेल जी राष्ट्रीय लोकदल से जुड़ चुके हैं। अंबुज जी, आज ये जो बड़ा फैसला आया है, पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान किया है, गाजीपुर सिंघू बॉर्डर पर किसान खुश नजर आ रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही है और नाचते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ऐसा है, 2022 के चुनाव को देखते हुए जब पीएम मोदी जी जब अपने उत्तर प्रदेश के दौरे पर आए, उन्हें ये एहसास हो गया उनकी जमीन दरक चुकी है, किसानों ने पूर्ण रूप से, उनका जो चेहरा है वो किसान विरोधी है, और किसानों ने और देश की जनता ने मान लिया है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने का। देश की जो महंगाई है, जो तीनों कृषि ये तीन कानून है, और अभी भी जब तक ये वापस नहीं ले लेते हैं तब तक जनता इन पे विश्वास नहीं करेगी, और 600 किसानों की शहादत के बाद आज इनको याद आई, जब 600 किसान हमारे शहीद हो चुके हैं और एमएसपी की जो गारंटी मांगी थी किसानों ने वो अभी भी इन्होंने नहीं दी है। एक तो इनके बात पे कोई विश्वास नहीं किया जा सकता है, ये झूठ बोलने में माहिर है, और हो सकता है सरकार बनाने के बाद 2022 में जब इनकी सरकार बन जाए तो ये तीनों कानून फिर से वापस ले लें, इसलिए इनकी बात पे कोई ऐसा भरोसा नहीं किया जा सकता है। ये चुनाव को देखते हुए फैसला पीएम मोदी जी ने लिया है कि तुम चुनाव में दोबारा वापसी हो, किसी प्रकार से वापसी हो, क्योंकि उनके पास पूरी रिपोर्ट आ चुकी है भारतीय जनता पार्टी का। जी, प्रधानमंत्री जनता के बीच आके सामने आके ये बात कह रहे हैं कि तीन नए कृषि कानून वापस लिए जाएंगे, लेकिन अभी भी ये आशंका क्यों बनी हुई है कि इसे वापस लागू किया जा सकता है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के चुनाव में, 2017 के चुनाव में जो वादे जनता से किए थे, नौजवानों के साथ किए थे, किसानों के साथ किए थे, देश की जनता के साथ किए थे, वो कोई भी वादे उन्होंने पूरे नहीं किए, बाद में बता दें ये तो एक जुमला था जी। तो जनता का विश्वास इनके वादों से हट गया है, ये अपने, चूंकि ये पूंजीपतियों का हित साधने में लगे हुए हैं, जनता की जेब की गाड़ी कमाई ये पूंजीपतियों के हित में डाल देते हैं, पूंजीपतियों के जेब में ट्रांसफर करते हैं, इसीलिए जनता का विश्वास इनके ऊपर से उठ गया है। जब कभी भी भविष्य में फिर सरकार बनने के बाद पूंजीपतियों का दबाव इनके ऊपर पड़ेगा तो जरूर, तो लगता है कि ये शायद ये उनके दबाव में दोबारा ये बिल ले आए, इसीलिए जनता इन पर विश्वास नहीं कर पा रही है।
जी अंबुज जी, सभी विपक्षी दल किसानों को साधने में जुटे हुए थे, उनका समर्थन कर रहे थे और लगातार सरकार को घेर रहे थे, लेकिन अब ये मुद्दा ही खत्म हो गया है, तो अब कौन से मुद्दे पे किसानों को साधा जाएगा? और मुद्दा कहाँ खत्म हो गया, अभी एमएसपी की गारंटी इन्होंने दी नहीं है, तो 600 किसान शहीद हुए इस आंदोलन में, उनका क्या होगा, उनके लिए ये क्या करेंगे, उनके परिवारों के भरण पोषण के लिए क्या करेंगे? अभी महंगाई पे इन्होंने कोई रोकथाम लगाई नहीं है, अभी रोजगार के मुद्दे पे इन्होंने कोई गारंटी की बात कही नहीं है, अभी तो लाइन ऑर्डर इनका ठीक है नहीं, अभी उस मंत्री का भी फैसला नहीं आया जो लखीमपुर वाला कांड हुआ था, अभी तो बहुत से मुद्दे हैं जनता के बीच, महंगाई इतनी बढ़ गई है, बेरोजगारी 3.25% से जब भाजपा ने सत्ता संभाली थी तो बेरोजगारी का आंकड़ा 3.25% था, आज 8-9% हो गया है, इस पे भी इन्होंने अभी तक कोई बात नहीं की है। 50 लाख से 2 करोड़ की नौकरियों का वादा किया था, 4.5 लाख उत्तर प्रदेश में नौकरी देके अपनी योगी जी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, इसलिए अभी बहुत से मुद्दे हैं, जनता इनसे ऊब चुकी है, जनता इनका चेहरा चाल चरित्र सब जान चुकी है, इनसे कुछ नहीं होने वाला है, ये चुनाव के डर से फैसला लिया गया, जनता ने ये बात समझ ली है। जी अंबुज जी, जो छोटे छोटे दल है और विपक्षी पार्टियां हैं वो गठबंधन कर रही है बीजेपी को हटाने के लिए सत्ता से, तो बाकी दल क्या करेंगे, और बीजेपी तो अकेले ही खड़ी और इतना बड़ा ऐलान कर दिया है, तो आगे भी और ऐलान हो सकते हैं, तो अब क्या रणनीति रहेगी विपक्ष की? देखिए रणनीति, देखिए गांव गरीब किसान नौजवान की बात हम विपक्षी दल कर रहे हैं, हम लोग का गठबंधन गांव गरीब और नौजवानों के विकास के लिए है, महंगाई को रोकने के लिए है, जन जन तक विकास को पहुंचाने के लिए है, ये जो विपक्षी दल है ये किसी पूंजीपतियों को जेब के भरने के लिए गठबंधन नहीं किए, ये जनता के हित को साधने के लिए गठबंधन किए हैं, तो जनता के हित के लिए हमारा गठबंधन है, वो जारी रहेगा, जनता के हित की लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे। जी अंबुज जी, सरकार कह रही है कि हम जनता के हित में काम कर रहे हैं, लगातार लोकार्पण और शिलान्यास किए जा रहे हैं, नई नई योजनाएं लाई जा रही है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए शिलान्यास इन्होंने अभी जो एक्सप्रेसवे का किया है, इसके पहले आगरा एक्सप्रेसवे बना था और ये एक्सप्रेसवे बना है, दोनों की गुणवत्ता में क्या अंतर है ये स्वयं आपको भी पता है और जनता को पता है, सबने देख लिया ना, उसके बारे में जो साइड की जो रोड है ना वो बनाई गई ना, उसकी जो गुणवत्ता है वो है, वो किसी प्रकार से फीता काट के बता देना चाहते कि हमने ये किया हमको वोट दो, सिर्फ ये वोट की राजनीति कर रहे हैं, आस्था की राजनीति कर रहे हैं, और मजबूरी में जब जनता का दबाव उन्होंने देखा तो चुनाव को देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है तीनों बिल वापस लेने का, लेकिन हम लोग तो तभी विश्वास करेंगे तीनों बिल वापस ले आए, एमएसपी की गारंटी दें, उसके बाद जो 600 किसान हमारे शहीद हुए उनके परिवारों के लिए भी ये कुछ जारी करें। अंबुज जी, कई किसान हैं जो इस फैसले से खुश हैं और अब बात कह रहे हैं कि अब जो ये प्रदर्शन चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, अब इसे खत्म किया जाए, तो विपक्ष क्या अभी भी समर्थन करेगी, क्या इस बात को आगे लाएगी कि नहीं, बाकी मुद्दों पे भी होना चाहिए प्रदर्शन? जी का बयान अभी आया है, उन्होंने कहा जब तक कि ये बिल वापस नहीं होगा सत्र में, जब सत्र चलेगा तब बिल वापस होगा, तब हम विश्वास करेंगे, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, अभी आंदोलन समाप्त नहीं होने जा रहा, हालांकि किसानों के बीच खुशी की लहर है क्योंकि उनकी जीत हुई है, उनके आंदोलन की जो पिछले एक साल से सर्दी और बरसात झेलते हुए और बीच में उनके अपने 600 भाइयों को खोकर उन्होंने ये आंदोलन जारी रखा, उनके लिए खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री जी बैक हुए, उनका दबाव काम आया, प्रधानमंत्री जी ने उनकी बात मानी, उनकी बात सुनी, तो ये खुशी का क्षण है, इसलिए खुशी मना रहे, लेकिन आंदोलन अभी समाप्त नहीं हो रहा, आंदोलन अभी जारी रहेगा। तो अंबुज जी, आपको क्या लगता है, क्या ये जो वापस लिए जाएंगे तीनों कृषि कानून चुनाव से पहले, या फिर सिर्फ बात क्या है कि किसानों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की जा रही है? ये तो किसानों को पक्ष में नहीं, वापस भी ले सकते हैं, इसके बारे में तो फैसला मोदी जी जानने, भाजपा जानने क्या करेंगे, लेकिन इनकी नीयत पे सवाल है क्योंकि इनकी नीयत हमेशा ही पूंजीपतियों का हित साधने में लगी रहती है। जी, तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो तीन नए कृषि कानून होते हैं, इससे किसानों को सबसे बड़ा नुकसान क्या हो रहा था? किसानों का नुकसान यही हो रहा था कि जमीन किसान की मालिक आप, ये कैसे हो सकता है? जी ठीक, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो थी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये था कि हमारा अगर हमारा तय हुआ कंपनी से समझौता हुआ कि हमारा आलू 6 रुपए किलो बिकेगा, अगर वो उससे महंगा बिकेगा तो फायदा पूंजीपति को होगा और सस्ता बिकेगा तो घाटा किसान का होगा, किसान को 6 रुपए ही मिलेंगे, बढ़त का पैसा क्यों किसान को नहीं मिलेगा? उसके बाद किसान की जमीन वो किसी भी प्रकार से वो किसान कोई भी उपयोग कर सकते हैं, किसान को सिविल कोर्ट जाने का अधिकार नहीं होगा, किसान सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल इसमें एसडीएम कोर्ट में जा सकते हैं, डीएम कोर्ट में जा सकते हैं, डीएम एसडीएम सीधे सरकारी तंत्र से जुड़े रहते हैं, सरकार से जुड़े हुए तंत्र हैं, वो किसान का भला कैसे कर सकते हैं? जी, जब न्याय की बात आएगी तो किसान को कोर्ट ही जाना पड़ेगा, कोर्ट जाने का रास्ता इस बिल में बंद किया गया, ये सबसे बड़ा अन्याय है, आजाद देश में किसी को भी अपने न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अधिकार है, जो अधिकार इस बिल में नहीं दिया गया, जो अधिकार इस बिल में छीन लिया गया किसानों से। अंबुज जी, जिस तरह से अभी तीन नए कृषि कानून वापस हुए, अब क्या एमएसपी के लिए भी कोई लड़ाई लड़नी पड़ेगी या सरकार आराम से मान जाएगी? अब ये तो हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे, अगर एमएसपी के लिए सरकार मानती है तो ठीक बात है, नहीं तो आंदोलन फिर होगा एमएसपी के लिए।
जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पर हमारे साथ जुड़े थे आरएलडी से अंबुज पटेल जी। तो सभी विपक्षी दल की अपनी अपनी प्रतिक्रिया सामने आ रही है, जहां सरकार पर अभी भी निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये एक बड़ा मुद्दा है और इससे किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। दिल्ली की सीमाओं पर जो किसान बैठे थे, लगातार कई लोगों ने, कई किसानों ने अपने परिजनों को खोया है, कई त्योहारों पर अपने घर नहीं गए, सर्दी गर्मी बरसात सभी मौसमों को झेलते हुए और त्योहारों पर अपने घर ना जाते हुए इस आंदोलन को जारी रखा। और इस सब के बाद जब ये बड़ा ऐलान हुआ है तो काफी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। बड़ा पर्व एकदम हो गया है, आज वैसे भी गुरु पर्व है और ऐसे में जब ये बड़ा ऐलान किया गया और किसानों की जीत का ऐलान है ये, जिसकी वजह से किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। फिलहाल हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।